ये देखो मैंने फोन लगा दिया, देखो यहाँ पे पूरा चार्जर लगा हुआ है, देखो कार में जो लगता है ना वही वाला, वो देखो दिख रहा होगा। सो हे यूट्यूबर गुमराम का ब्लॉग में आप लोगों का ब्लॉग देखते रहना, चलो फटाफट से आज का ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। और एक हफ्ते बाद ब्लॉग करो मुझे पता है, खुद काफ़ी रीज़न की वजह से नहीं किया था, तो आज करते हैं और बढ़िया सा एक मस्त ब्लॉग रेडी करते हैं डालने के लिए। और गाइस ये वाला जो पेड़ है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रखा है, पहले तो छोटा था, अभी बरसात हुई तो बड़ा हो गया। एंड यहाँ पे देखो स्कूटर खड़ी हुई है, अभी पोछा नहीं तो कम चमक रही है, लेकिन तो मस्त साइन आती एकदम, मतलब क्या ही बोलूँ। एंड देखो हेडलाइट में मॉडिफिकेशन क्या करा है, देखो ब्लैक करा है पूरी, एकदम मस्त लग रही। और गाइस चलाता भी हूँ, ये मैंने ब्लॉग नहीं किया था इसलिए बताया नहीं था थोड़ा बहुत। देखो गाइस इस कूलर से जो पानी आता है ना उसकी वजह से देखो यहाँ पे हल्के हल्के दाग दाग से आ जाते हैं, अब पता नहीं क्या ही दिक्कत है इसकी। इसमें घास बहुत ज़्यादा कम है ना इसलिए बाहर पानी आता है, मोटर उसकी बड़ी लगा दी थी तो इसलिए ऊपर ऊपर गिरता पानी, ऊपर से नीचे आता तो तभी इसमें यहाँ तक आते छिट्टी, तो तभी इसमें दाग आ जाए। एक भी बार गाइस स्कूटर का सिनेमैटिक नहीं बनाया, तो चलो फिर इसका एक सिनेमैटिक व्यू दिखाते हैं। एंड इसको पोछ पाछ लेते हैं, थोड़ा बहुत गंदी हो रखी है, मिट्टी उट्टी खैर पहुँच जाएगी, स्कूटी को बाहर करते हैं तब अच्छा सिनेमैटिक बनेगा। ये देखो गाइस मेरी स्कूटर की चाबी कुछ इस तरीके की मस्ती लग रही, मैंने कार वाला लगाया शायद आप लोगों ने देखा हो, तो इसे इसमें तीन चाबियाँ होती हैं, एक होती है इधर की, एक होती है आगे वाली डिक्की की, एक होती है स्टार्ट करने की। इधर तो ले आए स्कूटर के, लेकिन देखो गाइस मेरे हाथ कैसे हो रखे, क्योंकि कल जो है इसमें डाला था तेल वेल ग्री, तो उसकी वजह से हो रखे हैं। तो चलो फिर सिनेमैटिक देखो। तो सुन लेना तू है मेरा रफी, मानो ना मेरे कभी बात हबीब, ओ दिन रात यूं ही बे, तो हम क्या करें अब जाने दो वो बातें कहां, तो तेरी यादें जो बिगाड़े जहां, अब सुना दे पूरी दास्तां, ऐसे कैसे आए ना बताए और चल बड़ी। देख लिए थोड़े बहुत सिनेमैटिक जो भी थे दिखा दिए, सही थे गाइस स्कूटर रात में दिखाएंगे कि बहुत जगह लाइट लगाई तो एकदम मस्त ही लगती है, और इसमें फ़ोन भी चार्ज होता है तो वो रात में दिखा देंगे। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं, एंड थोड़ी बहुत आवाज़ ज़्यादा करती है वैसे, ऑन कर दिया फ्यूल को रिजर्व में, इसका एक्सीलेटर भी थोड़ा सा ठीक किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम हो रखा था, इसलिए इसमें किक मारना पड़ता है। देखो कुछ इस तरीके की आवाज़ है, कुछ इस तरीके का इसका सिस्टम है, लाइट सारी वर्किंग में। ये देखो इसकी गियर है कुछ इस तरीके से शूट होती है, पहली गियर ऊपर में, फिर सेकंड गियर नीचे, फिर थर्ड उसके नीचे, फिर फोर्थ उसके भी नीचे। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको चलाने में। एंड चाबी निकाल, क्योंकि मैं चलाते हुए ब्लॉग नहीं कर सकता, क्योंकि भाई साहब अगर चलाएंगे दोनों हाथ से तो किस हाथ से ब्लॉग करेंगे, इसलिए नहीं कर पाता हूँ। देखते हैं कुछ अगर लेंगे तो कुछ लगाने वाला तो उसमें लगा देंगे, तो फिर हो जाएगा मोबाइल का सेटअप। तो अभी दिक्कत ये हो रही है क्योंकि लैपटॉप जो है ख़राब हो रखा, स्पीकर की दिक्कत है, तो उसी को बनवाने के लिए देना, तो देखते चलते एंड चलो फिर। ऐसे कैसे आए ना बताए और जल भरे, शीशे के मकानों में तू ऐसी है जो जिंदगी। सामने रियलमी नहीं है, वो एचपी नहीं है, वहाँ से एक लैपटॉप लिया था पिछले साल, अभी वारंटी में है, उसमें स्पीकर में दिक्कत हो रही, वो कह रहे यहाँ दिखा लो। क्या दिक्कत आ रही स्पीकर में, पता नहीं आप उसमें क्या हुआ, आवाज आवाज साफ नहीं आ रही थी। देखो दिखाने आए तो एक कागज पे साइन कराता है, जब तक संतुष्ट ना हो तो उस पर साइन मत करो, और लिख दो उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा काम प्रॉपर नहीं हुआ। पहले साफ आ रही है।
तो बजे शाम के 6:28 और अभी क्या बताऊं क्या करा जाए। तो चलो फिर चलते हैं स्कूटर चलाने, वैसे मेरा कोई प्लान नहीं है, वैसे चलते थोड़ा बहुत चला जाते एंड ब्लॉग भी पता नहीं कैसे ही करेंगे। ये देखो मैंने फोन लगा दिया, देखो यहाँ पे पूरा चार्जर लगा हुआ है, देखो कार में जो लगता है ना वही वाला, वो देखो दिख रहा होगा। अभी बज रहे हैं 6:55 और अभी देखो मेरे हाथ का क्या हाल हो गया चला चला के, एंड अभी थोड़ी बहुत चलाई है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चला, अभी चार्ज की देख रहे हैं 28 हो गई शायद से, ये पहले पता नहीं कितनी थी याद नहीं आ रहा है। देखो अभी स्टार्ट है, 28 हो रखी है, देखते हैं थोड़ी देर में कितना होता है। तो भाई साहब अभी घर में तो पहुँच गए एंड ये रही स्कूटर, एंड थोड़ा बहुत चार्ज हुआ फ़ोन उस समय शायद मैंने बताया 28 हो गया था, अब मुझे याद नहीं कितना परसेंटेज बढ़ा, देख लो अभी तो 26 हो गया। इसकी बैटरी बहुत ड्रेन होती है बहुत जल्दी जल्दी, देखो अभी 26 हो गया है। और गाइस स्कूटर चलाने में जो ही मज़ा आता है ना, तो वो कोई भी गाड़ी नहीं चलाने में मज़ा आएगा, चाहे वो स्कूटर हो बाइक हो, अरे यार स्कूटी हो बाइक हो या फिर कोई भी गाड़ी हो, स्कूटर के आगे सफेल है तो एकदम मस्त लगता है, इसमें गियर बदलने का एकदम मस्त हाथ में होता है तो बहुत मज़ा आती है। एंड थोड़ा बहुत अभी मैं सीख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत बंद भी हो जाती है, तो क्या ही बोल सकते हैं उसके लिए, तो सीख जाएंगे उसके बाद फिर देखते हैं कुछ लेंगे तो ब्लॉग करने के लिए, क्योंकि गाइस ब्लॉग अच्छा नहीं बन पाएगा ऐसे तो करेंगे, तो इसलिए देखते हैं कुछ लेंगे रखने के लिए मोबाइल या फिर कुछ भी होम मेड बनाएंगे जो भी होगा, तो देखना ब्लॉग देखते रहो फटाफट से, चलो आगे बढ़ा। तो गाइस जो सुबह गए थे लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए, तो सर्विस सेंटर यहाँ पे नहीं है, तो देखते हैं कस्टमर केयर पे बात करेंगे तो वो आएंगे घर में, क्योंकि एक बार बहुत पहले जब किया था, एक साल हो गए, एक साल होने वाले हैं, 17 दिन बचे हुए, उसके बाद फिर कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए फटाफट से देखते हैं जो भी होगा तो कस्टमर केयर कॉल करेंगे आ जाएगा, को भी ब्लॉक करेंगे, देखते हैं वो क्या ही करेंगे। स्पीकर में दिक्कत है, स्पीकर में एकदम क्लियर सी आवाज़ नहीं आ रही, मतलब फटी फटी थी, पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं, मतलब अच्छी आ ही नहीं रही जैसी थी, और धीमी भी होगी थोड़ी, तो वही है दिक्कत और कुछ खास दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत उसकी प्लास्टिक व्लास्टिक जो है थोड़ी निकल गई है, वो भी नहीं लगती है, तो वो भी दिक्कत है। एंड देखते हैं कब सही होगा हमारा लैपटॉप, देखते फिर एडिटिंग भी कैसे ही करेंगे, क्योंकि स्पीकर तो ख़राब रखा है, तो देखते जो भी होगा हेडफोन लगाएंगे जो भी, तो चलो फिर और आगे बढ़ाते हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, एंड जो भी था देख लिया, तो आज सुबह मैं ब्लॉग करूँ क्योंकि रात में एडिटिंग नहीं गई सुबह करा, तो आज थोड़ा लेट हो जाएगा ब्लॉग, तो खैर अब लेट ही डालूँगा क्योंकि अब थोड़ा टाइम चेंज कर रहा, देखते 12 बजे तक तो डाल ही देंगे, एंड जो भी होगा तो चलो फिर इंट्रो स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आप लोग आज का ब्लॉग पसंद है, पसंद है बड़ा लाइक करना, चैनल बनाना चाहो करना सब्सक्राइब, मैं लोगों कल कल को ब्लॉग जो देखना, तब तक के लिए ये जो ब्लॉग आएंगे तो देख लेना, एंड तब तक बाय। मेरा साथी मेरे साथ ना।